तो जो के सच के झूठ मानना आपका हाथ दिखाना है मारा हाथ हम निकलते किससे बड़ की बात ये बाण भाई कितके हैं कितके नहीं हैं कितके हो जी वैसे आप चिराग दिल्ली से जी राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने कहा था कि अनाज फिर पहुंचे कड़ा है मोखरा धाम काम काम वो है बार लगने दे जब एक भाई ने बोला बोला ये बाण है भाई बतलाओ थे आपस में तो मेरे करना पड़ेगी बात के अगर मारा नुनवाराम लाग गया इब लाग गया तो पूछेंगे के सची के झूठी लाग गया तुकर लाग गया के दिक्कत थी के ना थी वो सारी बाप के आग गए तो जी पहले सबसे पहले राम राम जी राम राम यो के लाग गया जी अपना ये मेरा बेटा है के तकलीफ थी इनके इसको यहाँ रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था बिल्कुल ऐसा लेटा रहता था ये बेल्ट भी बांध दी थी डॉक्टरों ने कोई सीटी स्कैन कराया एमआरआई कराया डॉक्टर को ये कह रहा कि इसको कैंसर भी हो सकता है गांठ हो गई है इसको बिल्कुल ऐसा फिर मैंने मेरी बहन रहती है और कुछ का फ़ोन आया पटौदी में रहती है मेरी बहन ताकि तू इसको लेकर यहाँ पे आ जाए तो जब साध्वी जी नरड़ में रहती थी तब वहाँ पे इसको गाड़ी में ऐसे बिल्कुल लेटा वो लेटा कर ले गए थे इसको गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठता था ये तब बाबा के पास गए बस जब पहले ही दिन इसको जो बेल्ट बंधी हुई थी वो भी खोल दी थी बाबा ने और मैंने दवाई भी छोड़ दी बेल्ट भी हटा दी तो एक बार में जैसे पहली बार में हमारा बच्चा अपने आप ही बैठने भी लगा चलने भी लगा ये पहले आती दिक्कत थी क्या इनके बाद में डॉक्टर से बीमारी शुरू बाद में कितने दिन हो गए इस बात में इसको तो अभी ठीक हुए एक साल हो गया इसको ठीक हुई बीमारी कितने दिन से थी ये पहले नहीं दे एक ही साल होया कोरोना में तो हुआ था दो साल हो गए होंगे बाबा दो हो गए शायद उस बात दो साल हो गए होंगे मतलब क्या दिक्कत हुई थी अचानक मतलब अचानक ही हो गया इसको यहाँ पे एकदम दर्द होया बहुत फिर हम डॉक्टरों के पास ले गए टीबी की गांठ बता रहे कोई कह रहा कैंसर है बिल्कुल मतलब बैठ ही नहीं सकता था हम इसको गोदी में ले जाते थे टॉयलेट तक ले जाते थे पकड़ पकड़ के चार आदमी पकड़ के ले जाते थे अपने आप चल भी नहीं सकते थे बिल्कुल नहीं चलता था अब चलने लगे अब चलने लगे जो पहले की जो मान लिया जब नहीं चल सके थे उस दौरान कोई वीडियो है भाई कुछ दिखाते क्योंकि मानना कौन है इस बात ने हम कई बात जोड़ रखी है बता रहे ना कि हमारा बच्चा बिल्कुल लेटा रहता था ये देखो ना भाई इस बात की तो कौन झूठ बोल सका यार एक मायत की माँ की एक जो चर्चा है कि हम झूठ बोलेंगे कोई होता है नहीं है कि भाई हमें कुछ मिला झूठ बोलने से कोई नहीं वो तो देखो जी आस्था विषय है वो आपकी आस्था आपके साथ है हमारी आस्था हमारे साथ है जी तभी तो आज हमने जब पता चला कि बाबा वहाँ नहीं है यहाँ आ गए हैं तब मेरा थोड़ा सा दर्द हो रहा है यहाँ पे तभी तो मैं ठीक मेरा बेटा ठीक हुआ तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ आदमी के पास झाड़ा लगवाने के लिए नहीं तो मेरे भी तो यही पे होता था दर्द आपने जो पहले झाड़ा लगवाया था वो पहले दूसरी जगह जो गद्दी थी वहाँ से लगवाया था हाँ कहाँ पे थी पहले वहाँ पटौदी के पास तो अब वहाँ जब वहाँ झाड़ा लगवा जाते भी आराम हो लिया था या आने के बाद आराम यहाँ तो हम पहली बार आए अब मई थी जब तो मई थी जहाँ बाबा नरण में जहाँ बता रहे अच्छा यहाँ पास पहली बार आए हो पहली बार आई यहाँ तो आज अपने लिए आई मैं वहाँ एक बार खड़ा होगा भाई दिखाओगा दर्शक मोड़ा के क्या ना देखो भाई ये भाई इसकी माँ है और इसकी माँ बता रही है अगे पहले के दिक्कत थी के नहीं इसके कुर्सी में दर्द था जी बताओ क्या आगे एक मिनट यहाँ पे दर्द था हाँ जी ये नहीं है यू भाई मतलब डॉक्टरी बीमारी है या कोई बीमारी कैसे भी है लेकिन मेन बात ये है कोई भी बात है जरिया कोई भी हो कारण कोई भी रहा हो मेन बात है आराम लग गया है तो उस आराम के कारण यू मतलब भाई आज इसकी माँ भी साथ में थी ये भी साथ में थी और आज ये आड़े स्पेशल मिलना है साथ विद्या अगर हमारे बालक का जब आराम हो गया तो हमें एक बार जरूर मिल काम है तो यह बात है और पूछेंगे एक बार बात खत्म हो जाती है तो बात और थी मतलब बात शुरू हुई है तो बात और पूछेंगे बैठ भाई एक बार आ जाओ भाई बैठ जा तेरे तो इन की माँ तो पूछी थी भाई भी इस भाई से बता ले नाम क्या भाई अपना यश भाटिया यस भाटिया माड़ा तो जोर का बोल ले कि लोग समझ में कम आओ है लोग सुने कम है तो ये इन्हू बता कि यात्रा बीमारी मतलब कितने चुक्कर लग गई थी चुक्कर हुई थी कब तक कहानी शुरू हुई कब तू बीमार होया ये तो जब मैं टेंथ क्लास की बात है ये जब मेरे को अचानक से मैं बेड पे लेटा होता अचानक से मैं बेड से उतर रहा था अचानक से दर्द हुआ मैं सोच रहा था ये किस टाइप का दर्द है तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी मेरे दर्द हो रहा है तो मम्मी कह रही ठीक है कल परसों हॉस्पिटल चलते हैं तो हमारे पास में हॉस्पिटल है मदन मोहन मालवीय नगर तो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को तो उन्होंने एक्सरे लिखे पहले एक्सरे में क्योंकि पहले तो एकदम से देख के तो कोई डॉक्टर ने बताया नहीं तब एक्सरे में देखे क्योंकि हड्डी की प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक्सरे लिखा और एक्सरे करवाया
एक्स्ट्रा कराने के बाद उन्होंने एक्स्रा देखा तो बता रहे थे कि पीछे तुम्हारे हड्डी के बीच में गांठ है, और वो गांठ जो है वो हड्डी के बीच में है, तो वो हड्डी को खा रही है, तो हड्डी तुम्हारी कमज़ोर हो रही है, हड्डी दब भी गई है। तो ये सुन के काफ़ी टेंशन में आ गए थे फैमिली वाले और मैं भी, तो मेरे को बहुत दर्द होता था, मैं रोता भी था पूरे दिन रात। तो जैसे कि मम्मी ने बताया, मौसी जी का फ़ोन आया था, मौसी जी पहले से जानती थी साधवी जी को, तो उन्होंने बताया साधवी जी के बारे में, तो मम्मी को बताया, मम्मी ने फिर मेरे को बोला ठीक है लेके चलते हैं वहाँ पे। तो पटौदी में लेकर गई, तो लेकर भी इस तरह गई, कार करी, तो कार में भी मैं पूरा लेटा गया था, बैठ कर भी नहीं आया था, पूरा लेट कर ही आया था। और उठा के मम्मी पापा भाई मेरे मौसी जी के लड़के वो उठा के अपने आप उठने बैठने लायक भी नहीं रहा, उठने बैठने लायक भी, वो पकड़ के लेके गए थे, बेल्ट भी बंधी हुई थी मेरी, तो बेल्ट लेकर पकड़ के गए साधवी जी। जैसे कि झाड़ा लगा तो वहाँ पे मेरा नंबर जैसे आया, मैं बैठा तो उन्होंने झाड़ा लगाया, और धीरे धीरे मैं, उन्होंने बोला कोशिश करो उठने की, तो मैं उठा धीरे धीरे, और धीरे धीरे चलने लगा फिर मैं। अब यहाँ पे जो गद्दी यहाँ पर लगने लगी है 4-5 महीने से, यहाँ पर पहली बार आए हो? हाँ पहली बार है यहाँ पे। वहाँ कितने झाड़े मारा हो गया था? पहले झाड़े मारा हो गया। हाँ जी। अब कोई दिक्कत तकलीफ दर्द कुछ? दर्द वर्द कुछ नहीं है, अब सीधा ओके की रिपोर्ट है प्रॉपर। जैसे थोड़ा थोड़ा अब भी कंपन में चलते हो वैसे, मतलब पहले भी चला करते? जैसे शिवरिंग होती थी, कांपता था पैर, वो भी बंद है अभी काफ़ी। और जो आप अभी थोड़ा देख रहे हो वो तो मेरे, वो बीमारी बचपन से है, वो बचपन से इसको, हाँ वो तो पहले से। ये जो मेरी तकलीफ थी हड्डी बीमारी, ये मेरे अभी कुछ 2 महीने 2 सालों से हुई है, तो वो बीमारी मेरे एकदम ठीक है। तो जो के सच के झूठ मानना आपका हाथ, दिखाना मारा हाथ, हम निकलते किससे बड़ की बात। ये बाण भाई कितके हैं, कितके नहीं हैं, कितके हो जी वैसे आप? चिराग दिल्ली से। तो मतलब और को बाण भाई सुनना चाहते हो, क्या कहना चाहो आप फिर इस बात दर्शक का भाई? आप तो इसी ये मेरी है, मेरी जान को फिर इनको भी लेकर गई थी, इनके बच्चे ना दिन रात बाहर भागते थे, बता दे। एक सेकंड आप जी, आप भी आओ, सबकी पूछना, आपकी पूछेंगे नाम, नाम के जी अपना। जसोदा। क्या दिक्कत थी, तकलीफ थी? मेरे बच्चे घर से भाग जाया करते थे, सारी सारी रात गायब रहते थे, पुलिस ढूंढ ढूंढ के लेके आते थे और मिलते नहीं थे, छिप जाते थे। ये और वो, ये घर से कौन सी, ये बच्चे भाग जाया, ये और वो है, ये दो, एक दिन तो पूरा 2 दिन हो गए थे पुलिस ढूंढवाई, पुलिस के जरिए से मिले थे ये दोनों बच्चे। कहाँ से भाग गया, मतलब कैसे, नाइट में या दिन में कैसे भाग गया? पूरी रात सारा दिन, तीसरे दिन मिले थे जाके, पुलिस के वजह से दिमाग घूम रखा था, कोई ऊपरी करा दिया था किसी ने, तो यही एक बार आए थे हम, उसी से आराम हो गया था हमारे बच्चों, जब कि हमारे बच्चों के सबके धागे बंधे हुए हैं, पूरी फैमिली के ही बंधे हुए हैं धागे इनके। कितने दिन, मतलब कितने दिन आए हो अभी यहाँ पे आप? एक साल हो गया पूरा। अच्छा, वहाँ भी इन बच्चों को आराम आप वही लग दिया था? हाँ वही आराम दिया था, यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। मिलने आए हैं, थैंक्स कहने आए हैं, साथ विजय के कहने आए हैं? अभी तो मिलने आए, मेरे परेशानी हो गई थी, मुझे लकवा हो गया था अभी बीच में जनवरी में, तो यहाँ सुनी थी कि इनके उससे आराम हो रहा, तो मैं भी अपना झाड़ा लगवाऊंगी। फिर आपने झाड़ा लगवाया यहाँ पे? हाँ अभी लगवाया था झाड़ा, मैं लगवाया था या आराम होने के बाद? वो तो आगरा की दवाई चल रही थी हमारी, ये सच्चाई जो है सच्चाई होनी चाहिए, आगरा की दवाई चल रही थी, मैं पता नहीं था यहाँ आ गए, मैं तो भाभी को, भाभी ने बताया मुझे कि यहाँ आ रखे, क्योंकि मैं तो पटौती, मैंने कई बार फोन भी करा था, फोन बंद था उनका, इसलिए फिर भाभी को पता चली तो यहाँ आ गए हम। अब बच्चे नहीं भागते घर से, अब ठीक है? मेरे बच्चे सही है, बिल्कुल ठीक है, जब से झाड़े लगे पूरी फैमिली ठीक है, मतलब सारा पूरा परिवार ही उथल पुथल हो रखा था, सब ठीक है जब से। तो इसमें क्या मानो आपको, ये मतलब हम तो इन चीजों मान्य नहीं करते, मैं किसी चीज को नहीं मानता, सच्चाई बता देता हूँ, तो ऐसा कुछ था मेरे बच्चों को बामे जो नवरात्रे कंचक होती है उसमें खाने में कुछ दे दिया था, इसलिए मेरे बच्चे घर से भाग जाया करते थे, जब से झाड़े लगे और धागे बंधे जब से हमारे पूरे फैमिली के आराम है। चलो जी, धन्यवाद आप लोगों का, मिले हो और
बने रही होबा की पूरी रिपोर्ट थी जिम्मेदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ, जो थे आप थी पहुंचा दी दिखा दी सच्चाई झूठ वो निष्कर्ष आपके हाथ। जय हिंद।